नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जून दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती। बिहार के कई जिलों में खुला साइबर थाना। 2025 तक पूरे बिहार में लग जाएंगे स्मार्ट मीटर। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए खुला आवेदन पोर्टल। अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने भारतीय टीम को फॉलो ऑन खेलने से बचाया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती। केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 12वीं यानी कि इंटर पास होना अनिवार्य है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए CSBC की आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। बता दें कि चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, अगर उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। मालूम हो कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इस भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन देखिए। बिहार के कई जिलों में खुला साइबर थाना। बीते दिन शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में बिहार का पहला साइबर थाना का उद्घाटन किया गया, जिसमें बिहार की राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, शेखपुरा, नालंदा और बेगूसराय जिला शामिल है। ऐसे में अब लोग ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, पर्सनल डाटा का दुरुपयोग, बुलिंग और ऑनलाइन थ्रेट जैसे मामले से जुड़े शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में लगातार साइबर क्राइम से जुड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर राज्य के प्रत्येक जिले में साइबर थाना खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से कुछ जिलों में बीते दिन साइबर थाने खोले दिए गए हैं तो वहीं आने वाले समय में अन्य जिलों में थाने खोले जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री के बारे में। बाबू देवकी नंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक थे। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की हैं। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खत्री की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे गया के टेकरी राज में पहुंचे और वहां के राजा के यहां नौकरी कर ली। बाद में उन्होंने वाराणसी में लहरी प्रेस नामक एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और 1900 में हिंदी मासिक पत्र सुदर्शन को प्रारंभ किया। 2025 तक पूरे बिहार में लग जाएंगे स्मार्ट मीटर। बिहार पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में अव्वल है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में वर्ष 2019 से स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की गई थी और अब तक पूरे राज्य भर में 15 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का भी काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में वर्ष 2025 तक पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। मालूम हो कि राज्य के इस सक्सेस मॉडल को देखते हुए इसे समझने के लिए छत्तीसगढ़ थर्ड स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की 3 दिवसीय वरीय अभियंताओं की टीम बिहार दौरे पर पहुंची है। इस पर मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बिहार आना हमारे लिए गर्व की बात है। GST पर दाताओं के लिए बिहार सरकार का नोटिस। बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग के द्वारा राज्य के सभी GST करदाताओं के लिए एक जानकारी दी गई है। बता दें कि यह जानकारी विभाग की ओर से IPRD बिहार पर पोस्ट शेयर कर दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि अगर आप भी GST करदाता हैं तो कृपया ध्यान दें, यदि आपके पास GST रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण आपके विरुद्ध 28 फरवरी 2023 तक कोई कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। दरअसल अगर आप 30 जून 2023 तक देय ब्याज एवं लेट फी के भुगतान के साथ वो रिटर्न दाखिल कर देते हैं तो आपके विरुद्ध आय निर्धारण आदेश खुद ही निरस्त हो जाएगा। वहीं अगर आपको इससे जुड़ी कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो आप विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। श्रावणी मेला में लोगों को ये मिलेगी सुविधाएं।
4 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है जो कि 2 माह तक चलने वाली है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मेले में पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी जिसमें महिला पुलिस बलों की संख्या अधिक होगी। इस दौरान सादे लिबास में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा मेले में घुड़सवार पुलिस कर्मी, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और विधि व्यवस्था संधारण के लिए एक्सपर्ट पुलिस कर्मी भी तैनात रहेंगे। श्रावणी मेले में प्रतिनियुक्ति पुलिस कर्मियों के ठहराव स्थल को चिन्हित कर वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही मेले में जितने भी दुकानदार होंगे उन्हें एक नंबर भी दिया जाएगा। वहीं इस मेले के दौरान अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाई जाती है तो उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मेले के दौरान गंगा घाट पर वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे। मगही पान का क्षेत्र विस्तार करने हेतु मिलेगा 50% अनुदान। राज्य में मगही पान के क्षेत्र का विस्तार हो सके इसके लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत मगही पान का क्षेत्र विस्तार करने हेतु प्रति इकाई लागत पर 50% अनुदान देने का फैसला लिया गया है। यानी कि मगही पान की खेती पर इकाई लागत 70,500 रुपये प्रति 300 वाट मीटर पर किसानों को 50% का अनुदान दिया जाएगा। हालांकि ये योजना पूरे राज्य भर के जिलों के लिए नहीं बल्कि राज्य के केवल 4 जिलों के लिए है जिनमें औरंगाबाद, नालंदा, गया और नवादा जिला शामिल है। ऐसे में अगर इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अथवा जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। देश भर में नंबर 1 बना बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट। उड़ान योजना के तहत एक बार फिर से बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट पूरे देश भर में नंबर 1 बन गया है। एक तरफ जहां पटना एयरपोर्ट और गया एयरपोर्ट घाटे में चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर दरभंगा हवाई अड्डे पर इस साल रिकॉर्ड कमाई हुई है। मालूम हो कि वर्ष 2021-22 में यहां से जाने वाले लोगों की संख्या 6.19 लाख थी यानी कि 6,19,000 थी जो कि वर्ष 2022-23 में भी बरकरार है और 2023 में यहाँ से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 6.17 लाख है। एयरपोर्ट डायरेक्टर सत्येंद्र झा के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के सभी यात्रियों के रिकॉर्ड मूवमेंट के लिए लोगों को साधुवाद दिया। उन्होंने बताया कि यात्रियों को और भी बेहतर से बेहतर सुविधा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए खुला आवेदन पोर्टल। अगर आप भी उन छात्राओं में आते हैं जिन्होंने 25 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 तक में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए विभाग के द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है। ऐसे में जिन छात्राओं के द्वारा इस योजना का लाभ पाने के लिए पिछली बार आवेदन नहीं किया गया था वे 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर 30 जून तक छात्राओं के द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि वे योजना का लाभ नहीं लेने के इच्छुक नहीं है क्योंकि इस बार छात्राओं के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर है। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और पाना चाहते हैं पहली बार में ही सफलता तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे चक्षु प्रकाशन की बहुत ही रेलिवेंट बुक के बारे में जो कि हर स्टॉल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट भी हर स्टॉल पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपके लिए मिल जाएंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बुकें। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे अक्षयवट के बारे में। अक्षयवट गया शहर का एक धार्मिक स्थल है। अक्षयवट एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। यह वृक्ष पूजनीय है। यह वृक्ष हिंदू और जैन धर्म में धार्मिक मान्यता रखता है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अक्षयवट वृक्ष देखने के लिए मिलता है। यह जगह बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। यहाँ पर अक्षयवट में बहुत सारी चुन्नियाँ बांधी गई हैं। यह जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर आकर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आपको रुक्मणी कुंड देखने को मिलेगा। रुक्मणी कुंड एक तालाब है। रुक्मणी कुंड के चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको सुंदर घाट देखने के लिए मिलता है जहाँ पर आप बैठकर इस कुंड का दृश्य देख सकते हैं। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं और अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। बिहार में तय होगा भारी वाहनों का रूट।
एक तरफ जहां बिहार में सड़क के दुरुस्त होने और लंबाई बढ़ने से आवागमन काफी सहज हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगह सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब राज्य के जिलों में भारी वाहनों के रूट को तय करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों को ऑटोमेटिक रडार गन देने का भी निर्णय लिया गया है, लेकिन उससे पहले उन्हें ऑटोमेटिक रडार गन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये अधिकारी उन स्थानों पर मौजूद होंगे जहां सड़क पर लंबी दूरी तक गति सीमा तय की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर भारी वाहनों के रूट को तय कर दिया जाता है तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़े वाहनों के आने जाने से लोगों को परेशानी नहीं होगी और साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। आज मुजफ्फरपुर में जुटेंगे राज्य भर के 200 तैराक। आज यानी कि 10 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड में रत्ना बैंक्वेट हॉल परिसर में स्टेट तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बिहार में भी तैराकी के खेल को विकसित किया जा सके। मुजफ्फरपुर में इस आयोजन की मेजबानी स्विम फिट पूल के सत्यनारायण प्रसाद के द्वारा की जा रही है। वहीं यह पहली बार होगा जब मुजफ्फरपुर में यह आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य के 12 जिलों से 150 से 200 तक तैराक भाग लेंगे। वहीं जिन खिलाड़ियों का चयन यहां होगा उन्हें नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में भेजा जाएगा। मालूम हो कि राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां स्विमिंग की ना टीम है और ना ही स्विमिंग को लेकर कोई पहल की गई है। इसी कारण राज्य में केवल 12 जिले ही ऐसे हैं जो इस आयोजन में हिस्सा ले पाए हैं। बिहार में भीषण गर्मी जारी। बिहार में पिछले 15 दिनों में लगातार भीषण गर्मी का कहर जारी है। राज्य के कई जिलों में उष्ण लहर और लू की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 13 से 14 जून के तक मॉनसून की एंट्री हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने 11 जून से प्री मॉनसून के तहत उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बहुत हल्की वर्षा का अनुमान जताया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिनों तक राज्य में शुष्क मौसम बना रहेगा और तपती गर्मी और लू से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार के बाद कुछ जगहों पर तापमान में कमी की संभावना जताई है। 10 से 12 जून तक उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश के आसार हैं। मॉनसून 13 से 14 जून के बीच पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश की संभावना है। हालांकि अगर इसमें थोड़ा फेरबदल हुआ तो यह तारीख 18 और 19 जून की हो सकती है। डिग्री डिप्लोमा में अब समय की बाध्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव तैयार। यूजीसी के द्वारा डिग्री की विशेषताओं संबंधी नियम कायदों की समीक्षा और डिग्री डिप्लोमा के लिए नई नाम प्रणाली तय करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था, जिनके द्वारा कहा गया है कि अब डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए समय की बाध्यता खत्म होगी। यानी कि अब स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातक डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा के स्तर पर भी योग्यता को मान्यता दी जाएगी। यानी कि उच्च शिक्षा के किसी कोर्स के लिए छात्राओं पर यह बाध्यता नहीं होगी कि उन्हें डिग्री डिप्लोमा इतनी अवधि की पढ़ाई के बाद ही मिल सकता है। ऐसे में अब समय से पहले भी डिग्री हासिल की जा सकती है। हालांकि इसके लिए जरूरी क्रेडिट पूरा करना होगा। इसका मतलब है कि क्रेडिट फ्रेमवर्क के आधार पर प्रमाण पत्र हासिल किए जा सकेंगे। विद्युत क्षेत्र में बिहार की रेटिंग में हुआ जोरदार इजाफा। विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग के अप्रैल 2023 के 11वें संस्करण में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की रेटिंग की गणना वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को राज्य को उपलब्ध अग्रिम सब्सिडी पर विचार किए बिना ही कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप AT&C लॉस की उच्च गणना 34.65% के बजाय 35.3% हुई है। सब्सिडी को शामिल नहीं करने के कारण ACS ARR अंतर को भी 1.53 पैसे के बजाय 1.56 पैसे के रूप में अधिक दिखाया गया है। सब्सिडी में हुई त्रुटि को लेकर संशोधित करने हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सचिव सह प्रबंधक निदेशक संजीव हंस एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार द्वारा विद्युत मंत्रालय से सब्सिडी भी अग्रिम सब्सिडी को SBPDCL के आय के रूप में शामिल करने पर विचार करने का पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। बिहार में OBC प्रमाण पत्र को लेकर NCBC ने उठाए सवाल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा देश के 4 राज्यों का जिक्र करते हुए यह दावा किया गया है कि इन राज्यों में आरक्षण के नियमों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। आयोग की ओर से जिस 4 राज्यों का जिक्र किया गया उसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब और साथ ही बिहार भी शामिल है। दरअसल NCBC के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम आहिर के द्वारा कहा गया है कि जब NCBC के द्वारा फरवरी और मई 2023 के बीच क्षेत्रों के सर्वेक्षण कराए गए तो 4 राज्यों में आरक्षण के नाम पर गड़बड़ियां
पाई गई हैं। आयोग ने सर्वे में पाया कि 1993 से 2023 तक आय की गणना करने और गैर क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाण पत्र देने के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कृषि आधारित आय को भी शामिल कर लिया गया, जो कि आरक्षण नीति के खिलाफ है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार हंसराज गंगाराम अहिर के द्वारा सलाह देते हुए कहा गया कि बिहार सरकार को अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करने की जरूरत है। बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए इन अभ्यर्थियों को मिला मौका। अगर आप भी उन छात्र छात्राओं में हैं जिन्होंने बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा दिया है और सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन किन्हीं कारणों से पहले और दूसरे राउंड में अपना पंजीयन नहीं करा सके थे, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल अब ऐसे छात्र छात्रा अपना पंजीयन तीसरे राउंड में 11 जून तक करा सके। इसके लिए अभ्यर्थी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.biharcetbedlnmu.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहली मेधा सूची के आधार पर कुल 16,000 सीटों पर नामांकन लिया गया है, तो वहीं दूसरी मेधा सूची के आधार पर 12 जून तक नामांकन लिया जाएगा। ऐसे में तीसरी मेधा सूची के आधार पर कितने नामांकन लिए जाएंगे, वो दूसरे चरण में हुए नामांकन के बाद बचे हुए सीटों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में होगा ये खास इंतजाम। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर कार्य योजना पर मंथन करना शुरू कर दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विपक्षी नेताओं को पटना पहुंचने पर उनके लिए खास रूट और ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। उन नेताओं के राजधानी पहुंचने से लेकर लौटने तक के लिए उन सभी के विशेष सुरक्षा दस्ता के अलावा बिहार पुलिस के जवानों की भी स्पेशल तैनाती की जाएगी। साथ ही गर्मी और फलों का मौसम होने के कारण खान पान में मौसम के अनुकूल चीजें शामिल की जाएंगी, जिसमें राज्य में पाया जाने वाले खास तरह के आम भी शामिल होंगे। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं के खान पान में बिहार का लिट्टी चोखा, मखाना सहित शाकाहारी और मांसाहारी हर तरह की बेहतर सामग्री को शामिल किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पर बोला हमला। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम को किसी चीज का ज्ञान नहीं है, उन्होंने न तो पढ़ाई की और न ही कुछ समझा, ऐसे में वो सिर्फ बकवास करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी आदमी हैं, क्या अनपढ़ आदमी है? क्या मैं बिहार का नहीं हूँ? मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं की है? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, फ्रेंच नहीं बोलता हूँ? क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मेरे से बढ़िया भोजपुरी बोल पाएंगे? तेजस्वी यादव को ना भोजपुरी बोलना आता है और ना अंग्रेजी। वे बस कभी जाति कभी धर्म के नाम पर बोलते हैं, दूसरी पार्टियों पर बस आरोप प्रत्यारोप करना है। बिहार की जनता रोजगार से जुड़ा सवाल पूछती है तो वो बोलते हैं बीजेपी को रोको। बिहार की जनता बालू और शराब माफिया की पूछती है तो वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आज बिहार में एक दल के लोग बालू माफिया का काम कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं, मतलब तो यही हुआ कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं। सम्राट चौधरी के विरुद्ध जदयू ने दर्ज कराया मानहानि का मामला। पिछले कुछ दिनों पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह के द्वारा दिए गए मटन भात भोज पर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बनी हुई थी। वहीं अब इस मामले में लेकर जदयू के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करा दिया गया है। इस बारे में मुंगेर जदयू जिलाध्यक्ष नचिकेत मंडल के द्वारा कहा गया है कि 15 मई को सम्राट चौधरी ने कहा था कि ललन सिंह की मटन भात की पार्टी में शराब परोसा गया था, जिसको लेकर पहले ही सम्राट चौधरी को 17 मई को लीगल नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने उचित जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अब उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वे जानबूझकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे आपत्ति के बाद भी ना तो माफी मांगा और ना ही जवाब दिया। अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने भारतीय टीम को फॉलो ऑन खेलने से बचाया। इंग्लैंड के द ओवल में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय टीम की पहली पारी में टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। वहीं भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के द्वारा 18 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में दमदार वापसी की गई। अजिंक्य रहाणे ने WTC फाइनल में अर्धशतक जड़कर अपनी दमदार वापसी की है। मालूम हो कि रहाणे के मैच के तीसरे दिन अपने स्कोर 29 रन से आगे खेलना शुरू किया और फिर 92 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इसके साथ ही अब वो ऐसे पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अर्धशतक जड़ा है। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 1 छक्के लगाए, लेकिन निवासी के स्कोर पे कमिंस द्वारा आउट हो गए। वहीं शार्दुल ठाकुर ने भी अर्धशतक की पारी खेली, जिस कारण भारतीय टीम को फॉलो ऑन खेलने से बचा लिया। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 469 रन बनाए थे, वहीं भारत ने अपनी पहली पारी में 296 रन बनाते हुए ऑल आउट हो गए।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 में प्रथम दिल्ली का शासक बना। वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग का महाराष्ट्र के नासिक जिले से उत्पादन 1966 में शुरू हुआ। मुंबई के मडगांव बंदरगाह के पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण 1972 में हुआ। भारत ने 1986 को इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर पहली बार लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था। केरल ने 1999 को कोच्चि शहर के नेदुनबासेरी में एक निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के संचालन शुरू हुआ। 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 2008 में हुई। लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया, जिसमें संजय दत्त ने मुख्य भूमिका निभाई। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 1890 में हुआ। जाने माने भारतीय कवि शिवदीन राम जोशी का जन्म 10 जून 1921 को हुआ था। भारत के एथलीट रविंद्र झाझड़िया का जन्म 1981 में हुआ। आज के दिन विश्व भूगर्भ जल दिवस और जागतिक दृष्टिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि फर्जी वेबसाइट कृषि मंत्रालय के तहत किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी देने का दावा कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट कपटपूर्ण है और इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। लिंक्डइन पर ऐसे जोड़े अपना आधार। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने एक पहचान सत्यापन सुविधा शुरू की है। यह सुविधा भारत में सभी लिंक्डइन यूजर्स के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। अगर आप भी लिंक्डइन पर अपने आधार को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अबाउट दिस प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं और वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए वेरीफाई विद आधार पर क्लिक करें। अब डिजी लॉकर स्क्रीन पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त करें। अब डिजी लॉकर का उपयोग करके हाइपरवर्स द्वारा क्विक वेरिफिकेशन करें। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप इसके लिए अपने आप साइन अप हो जाएंगे। अब एक लाइवनेस चेक पूरा करें। अपने आधार फोटो के साथ फेस मैच करने के लिए एक सेल्फी लें। आखिर में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में वेरिफिकेशन को जोड़ने के लिए शेयर विद लिंक्डइन पर यस क्लिक करें। भारतीय बाजार के अंतिम दिन निफ्टी 18,600 के नीचे हुआ बंद। भारतीय बाजार में बीते दिन लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 223.01 अंक या 0.35% की गिरावट के साथ 62625.63 पर और निफ्टी 71.10 अंक या 0.38% की गिरावट के साथ 18,563.40 पर बंद हुआ। बाजार आज हल्की बढ़त के साथ खुला था। कारोबारी सत्र के शुरुआती कुछ घंटों में ये हरे निशान में रहा, लेकिन कारोबारी सत्र को दूसरे हिस्से में आए मुनाफा वसूली के चलते बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। साप्ताहिक आधार पर देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी क्रमशः 78 अंक और 29 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। हीरो मोटोकॉर्प, डेविस लेबोरेटरी, टाटा स्टील, HDFC लाइफ और आइसर मोटर्स बीते दिन निफ्टी के टॉप लूजर रहे, जबकि इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, L&T, अडानी एंटरप्राइजेज और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन निफ्टी के टॉप गेनर रहे। पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, कमलेश शर्मा, BD सिंह, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, मोहम्मद अफजल मंसूरी, निशा कुशवाहा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, मनोज कुमार, के सिन्हा, अहमद, अंशुप्रिया, रमन कुमार, रवि शंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपने कभी श्रावणी मेला घुमा है? अगर घुमा है तो आपको कैसा लगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।